देश आज यानी 21 मई को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 31वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। सन 1991 में आज ही के दिन आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली के वीर भूमि में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वहीं राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पिता को याद करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मेरे पिता एक दूरदर्शी नेता थे, जिनकी नीतियों से आधुनिक भारत को आकार देने में मदद मिली। वे एक करुणी माई और दयालु व्यक्ति थे। मेरे और प्रियंका के लिए एक अद्भुत पिता थे। उन्होंने हमें क्षमा और सहानुभूति के मूल्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं उनकी कमी महसूस करता हूं, उस समय को सप्रेम याद करता हूं जो हमने साथ गुजारे थे। बता दें कि राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। राजीव गांधी ने सोनिया गांधी से सन 1968 में शादी की थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजीव गांधी और सोनिया गांधी की संतान हैं।